ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने किया T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट पक्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भारत की जीत पर हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को जरूर पूरा करें। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के तूफान के बाद गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के पक्ष में, और मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, पहले ओवर की तीसरी गेंद का सामना कर रहे थे रोहित शर्मा, तो यहाँ पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके गेंद को वाइड मिडोन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता मिल गई विराट कोहली के रूप में, जहाँ पर शानदार कैच डेविड ने पकड़ा और हेजलवुड ने विराट को पेवलियन भेजा, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 5 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। विराट के आउट होने के बाद तीसरे ओवर में रोहित का तूफान देखने को मिला, जहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिचेल स्टार्क की इस गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने कवर के एरिया में ही एक और शानदार छक्का जड़ दिया और रोहित के बल्ले से बैक टू बैक दो शानदार छक्के देखने को मिले। जबकि दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार मिडोन की तरफ गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार छक्का चढ़ते हुए इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के व 1 चौके की बदौलत 29 रन बनाए मिचेल स्टार्क के इस तीसरे ओवर में। तो वहीं पर इसके बाद रोहित की दमदार बल्लेबाजी पांचवें ओवर में भी जारी रही, जब उन्होंने पैट कमिंस की गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा, लेकिन यह छक्का 100 मीटर दूर जाकर गिरा। तो वहीं पर पैट कमिंस के इस ओवर की तीसरी व पांचवी गेंद पर रोहित ने 2 बेहतरीन चौके जड़े, जिसके चलते वो 49 रनों पर पहुंच गए। तो वहीं पर पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला। रोहित ने अर्धशतक के लिए मात्र 19 गेंदों का सामना किया और इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। रोहित की ये तूफानी बल्लेबाजी अर्धशतक के बाद भी जारी रही, जब भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया, क्योंकि भारत ने पावर प्ले में 60 रन बनाए। लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने भी शानदार छक्का जड़ा, उन्होंने भी यहाँ पर एडम जेम्पा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और छक्का लगा दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पाँचवीं गेंद पर रोहित के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस पर भी उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस ओवर में भी 2 बेहतरीन छक्के टीम इंडिया के लिए आए, एक रोहित तो एक पंत के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर आठवें ओवर में। यहाँ पर आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद आठवें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने में यहां पर रोहित कामयाब हुए और इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया, यानी कि मार्कस टोनिस के ओवर में भी रोहित ने 2 छक्के लगाए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत अपना कैच हेजलवुड को थमा बैठे और वो इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरे तो उन्होंने रोहित के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके रोहित शर्मा ने एक बार फिर दिए। तो वहीं पर इसके बाद काफी देर तक सूर्य कुमार यादव ने भी उनका अच्छा साथ दिया, लेकिन रोहित ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ा मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर।
वहीं पर दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक लेंथ गेंद को उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से खेला और चौके के लिए भेजा, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने। और इस ओवर में भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही उनकी। अब रोहित शर्मा 92 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। रोहित कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मिचेल स्टार्क का वो शिकार बने जहाँ पर उन्होंने 41 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो दोस्तों उन्होंने भी आते ही बड़ा शॉट खेल कर दिखाया और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से गेंद मिडल हुई और सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी और एक और छक्का यहां पर शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 15वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की और 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क ने सूर्य को मैथ्यू वेट के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 31 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका यहाँ पर पैट कमिंस की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लैप शॉट खेलते हुए जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर एक फ्लैट छक्का हार्दिक पांड्या ने जड़ दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उनके बल्ले से दमदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टारगेट किया और इस बार भी बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों ओवर की 4थी गेंद पर शिवम दुबे भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद छक्के के लिए ना गई और सीधे पहुंच गई डेविड वार्नर के हाथों में और डेविड वार्नर ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई शिवम दुबे की पारी। शिवम ने एक बार फिर छोटा कोम्यो खेला, लेकिन अच्छी पारी कह सकते हैं। 22 गेंदों पर उन्होंने 28 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की 4थी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन 20वें ओवर में सिर्फ एक ही बाउंड्री आई और वो भी सिर्फ एक छक्का ही आया, जिसके चलते 20 ओवर में टीम इंडिया 205 रनों तक पहुंच पाई। भारत के लिए रोहित ने 92 तो सूर्या ने 31, शिवम ने 28 और हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों पर 27 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने भारतीय टीम ने 206 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में एक शानदार चौका तो जरूर देखने को मिला यहाँ पर डेविड वार्नर के बल्ले से पहले ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक शानदार गेंद डाली और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहुंच गई सूर्य कुमार यादव के हाथों में और डेविड वार्नर के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। डेविड वार्नर 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि दूसरे ओवर में उन्हें एक जीवनदान जरूर मिला था जहां पर ऋषभ पंत थोड़े से अटक गए थे और वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे और यहां पर एक जीवनदान उन्हें मिला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका मिडऑन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में भी एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन इस ओवर का पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी एक शानदार चौका मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला जहां पर उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा छक्का मैक्सिमम के लिए जड़ दिया और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अक्षर पटेल के इस ओवर को भी भारतीय टीम के लिए महंगा ओवर साबित कर दिया। इसके बाद 6ठा ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का दिया। कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर ट्रेविस हेड ने खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में भेजने में वो कामयाब हुए।
वहीं पर दोस्तों पावर प्ले में तो इस टीम ने 65 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने अक्षर पटेल के एक कमाल के कैच के चलते एक शानदार सफलता मिचेल मार्श के रूप में दिला दी। यहाँ पर मिचेल मार्श दोस्तों 28 गेंदों पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन दूसरे छोर से टीम के लिए ट्रेविस हेड कमाल की बल्लेबाजी जारी रखते हुए नजर आए और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े, यानी कि 10वें ओवर की 4थी गेंद पर निकले शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 10 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी यहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी करके दिखाई और इस ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार छक्का व 2 बेहतरीन चौके रविंद्र जडेजा की गेंद पर देखने को मिले। यहां पर तेजी से स्कोर अब ऑस्ट्रेलिया का आगे बढ़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड ने भी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया की इस मुकाबले में वापसी करवाई और ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली मैक्सवेल के रूप में। मैक्सवेल इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड का तो एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस को यहां पर हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच कराकर पवेलियन भेजा। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 2 रन ही बना पाए और सिर्फ 4 गेंदों का सामना करने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो अब यहां पर दोस्तों 16वां ओवर टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण ओवर था, लेकिन इस ओवर में भी एक चौका यहां पर ट्रेविस हेड ने जड़ दिया, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की 3री गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। हेड ने 43 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनका विकेट भारतीय टीम की जीत तय कर गया, क्योंकि इसके बाद 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर पवेलियन भेजा मैथ्यू वेड को, जहां पर कमाल का कैच कुलदीप यादव ने पकड़ा और इस मुकाबले में 2 ही गेंदों का सामना कर पाए ट्रेविस हेड और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 18वें ओवर की 3री गेंद पर एक चौका जरूर यहां पर टिम डेविड ने लगाया, तो वहीं पर एक बेहतरीन छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी पवेलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कर अर्शदीप सिंह ने। टीम डेविड 11 गेंदों पर 15 रन ही बना पाए। इसके बाद पैट कमिंस के बल्ले से एक शानदार बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला, जब 19वें ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 181 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से 24 रनों से जीत लिया। और साथ ही दोस्तों भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, जहां पर भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो दोस्तों भारतीय टीम की शानदार जीत से आप भी खुश हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।